खून का बदला खून आपने सुना होगा, लेकिन पुतिन अमेरिका से हथियार का बदला हथियार देकर लेने वाले हैं। अमेरिका के कहने पर साउथ कोरिया यूक्रेन को हथियार देने वाला है। रूस की तरफ से साउथ कोरिया को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी। अब रूस ने ऐलान कर दिया है कि वो नॉर्थ कोरिया को घातक हथियारों की सप्लाई करेगा। यह ऐलान सीधे तौर पर अमेरिका और साउथ कोरिया से बदला लेना है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को दुश्मन मानता है और अमेरिका साउथ कोरिया की मदद कर रहा है। अब रूस अमेरिका से बदला लेने के लिए नॉर्थ कोरिया की मदद करेगा। नए और घातक हथियारों का प्रदर्शन करने वाले किम जोंग की ताकत और बढ़ने वाली है। किम का बारूदी गोदाम ऐसे हथियारों से भरने वाला है जिससे अमेरिका भी डरता है। किम जोंग को वो हथियार मिल सकते हैं जिसकी वजह से रूस की गिनती दुनिया की महाशक्तियों में होती है। रूस ने ऐलान कर दिया है कि किम जोंग को घातक हथियारों की सप्लाई शुरू की जाएगी। नॉर्थ कोरिया को इतना शक्तिशाली बनाया जाएगा कि वो अमेरिका और जापान से मुकाबला कर सके। रूस ने ऐसा साउथ कोरिया के ऐलान के बाद किया है। साउथ कोरिया यूक्रेन को हथियार देने वाला है। अमेरिका के कहने पर साउथ कोरिया हथियार दे रहा है। रूस ने साउथ कोरिया को सबक सिखाने के लिए ऐलान किया है। मौजूदा दौर में नॉर्थ कोरिया रूस के लिए परफेक्ट पार्टनर है, क्योंकि यूक्रेन में रूस अमेरिका से इनडायरेक्ट फाइट कर रहा है, तो वहीं किम जोंग रहकर अमेरिका को युद्ध की धमकी दे रहा है। किम जोंग के पास मिसाइलों का विशाल भंडार है और किम जोंग परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। अब रूस किम जोंग को परमाणु परीक्षण में भी मदद करके अमेरिका को बड़ा शॉक दे सकता है। रूस अमेरिका के दुश्मनों से दोस्ती बढ़ा रहा है। पुतिन ने चीन के साथ कई समझौते कर लिए हैं और जिनपिंग से मुलाकात के बाद दोनों देशों की दोस्ती नए मुकाम पर है। चीन से पहले ईरान से भी पुतिन ने अच्छे रिश्ते बना लिए हैं। ईरान को भी पुतिन परमाणु हथियार हासिल करने में मदद कर रहे हैं। रूस ने ईरान को भी हथियार और फाइटर जेट देने का वादा किया है। बदले में ईरान ने रूस को अपने ड्रोन दिए। कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया से भी रूस को हथियारों की सप्लाई शुरू होगी, लेकिन साउथ कोरिया के हथियार यूक्रेन आने की खबर के बाद पुतिन ने स्ट्रेटजी बदल दी है। अब पुतिन नॉर्थ कोरिया से हथियार लेने की जगह किम को ही हथियारों से लैस करने का वादा कर चुके हैं। किम जोंग ने कुछ दिन पहले ही अंडर वाटर ड्रोन का टेस्ट किया है। रूस ऐसे हथियारों को और घातक बनाने में किम की मदद कर सकता है।